तो हिंदू धर्म में छठ पूजा का विशेष अहमियत होती है। इसे महापर्व के तौर पर भी मनाया जाता है। राजधानी रांची के चडरी सरना पूजा समिति द्वारा वर्षों से भव्य छठ पूजा का आयोजन किया जा रहा है। इस वर्ष भी विशेष तैयारी है। वहीं समिति के संरक्षक जितेंद्र सिंह से बातचीत की है हमारे सहयोगी सौरभ रॉय ने। देखिए ये रिपोर्ट। लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा में कुछ ही दिन शेष रह गई है और अगर हम बात करें चडरी सरना समिति की तो ये सरना समिति लगातार पिछले कई वर्षों से छठ पूजा का आयोजन भव्य रूप से कराते आ रही है। हमारे साथ संरक्षक जितेंद्र सिंह जी मौजूद हैं। भैया बहुत आप लोगों को बधाई कि इस बार भी सूचना मिली है कि भव्य रूप से छठ पूजा का आयोजन हो रही है। कई वर्षों से आप लोग छठ पूजा का आयोजन कराते आ रहे हैं, इस वर्ष क्या कुछ खास तैयारी है? देखिए सबसे पहले छठ मैया की कृपा है कि चडरी सरना पूजा छठ पूजा महोत्सव में हमारे चडरी के जितने भी निवासी हैं, रांची के जितने भी धर्म के संप्रदाय के लोग हैं, सब लोग इसमें बराबर की सहभागिता होती है और सब लोग पार्टिसिपेट करते हैं। अब पिछले महीने से जैसे ही हम लोगों का दुर्गा पूजा खत्म हुआ, छठ पूजा में हम लोग लग गए हैं और इस वर्ष कोरोना पीरियड के बाद जो सरकार पूर्णतः लॉकडाउन जो खत्म हुआ और अभी जो स्वतंत्रता मिली है, तो जिस तरीके से हम लोगों ने दुर्गा पूजा का आयोजन किया, छठ पूजा का जो आयोजन हो अपने आप में एक अद्भुत होगा, अद्भुत आयोजन है। और इसमें हमारे चडरी सरना पूजा समिति के जितने भी हमारे कमेटी के जितने लोग हैं, सब लोग तन मन धन से लगे हुए हैं और उम्मीद है कि जो पर्व होगा अपने आप में एक अनोखा होगा। और विशेष तौर पर आपको पता है कि इस बार हम लोगों ने माँ गंगा को रांची में बुलाया है। लगभग 1 लाख लीटर पानी हम लोगों ने गंगा पटना से पहलेजा घाट से मंगवाया है। माँ वैष्णो देवी के तर्ज पे, जैसा आप देखते हैं माँ वैष्णो देवी में फूल का जो सजावट होती है, वहाँ के कलाकार आकर के इस नगरी को सजाने का काम करेंगे। पूर्णतः हमारे यहाँ कोलकाता बंगाल से लोग आ रहे हैं जो लाइटिंग का काम कर रहे हैं, गेट का काम कर रहे हैं। बनारस से हमारे 9 पुरोहित आ रहे हैं जो एक अद्भुत माँ गंगा की जो आरती जो चडरी सरना छठ पूजा समिति जो हमेशा आयोजन कर रही है और इस बार जो आयोजन होगा ये तालाब के किनारे, वो अपने आप में अद्भुत होगा क्योंकि शाम का भी कार्यक्रम है, सुबह भी कार्यक्रम है। शाम को डूबते हुए सूर्य को पुरोहित लोग अर्घ देंगे, आरती करेंगे और सुबह में उगते हुए सूर्य को लोग आरती करेंगे। और एक विशेष आयोजन जो हम लोगों ने किया है वो जो लोकगीत गायिका हैं, पर्व गायिका है कल्पना पटवारी जी, वो आ रहे हैं बिहार से चल करके यहाँ पे 19 तारीख को। उनका एक भव्य जागरण का कार्यक्रम है जो छठी मैया को समर्पित है। तो इस तरीके से पुराने हमारे जितने कमेटी के लोग हैं, बबलू मुंडा जी हैं, कुमुद वर्मा जी हैं, लिंडा जी हैं, सबलू मुंडा जी हैं और जितने भी छठी सरना पूजा समिति के लोग हैं, सब लोग अपने अपने जगह पर लग करके काम के आयोजन को भव्यता बनाने में लगे हुए हैं और उम्मीद है इस बार जो छठ पूजा खासकर चडरी का होगा वो अद्भुत होगा। आप लोग के छठ पूजा में काफ़ी भक्तों की भीड़ होती है, तो भीड़ को मैनेज करने में क्या कुछ व्यवस्था रहेगी? देखिए लोक आस्था का ये पर्व है, प्रकृति का ये पर्व है, जहाँ सूर्य है वहाँ चंद्रमा है, जहाँ चंद्रमा है वहाँ सूर्य है। तो निश्चित तौर पर प्रशासन के लोग, नगर निगम के लोग, सारे लोग अभी से ही लगे हुए हैं, साफ सफाई चल रही है। चूँकि दुर्गा पूजा के बाद बीच में फेस्टिवल आता है वो काली पूजा है, बहुत भव्य रूप से हमारे रांची में मनाया जाता है। जब उसकी शोभा यात्रा निकलती है, विसर्जन होता है, तब घाट का जो सफाई होता है पूर्णतः हो पाता है। तो समय बहुत कम मिलता है लेकिन फिर भी नगर प्रशासक के लोग जो है, हमारे प्रशासन के जो लोग हैं, डीसी महोदय, एसपी महोदय, सारे नगर निगम के लोग लगे हुए हैं। उम्मीद है कि जितनी अभी सफाई हुई है और सुरक्षा के दृष्टिकोण से हमारे जो 5,000 कार्यकर्ता जो पूरे रांची से हैं, हर एक संप्रदाय के लोग हैं, मुस्लिम भी हैं, हिंदू भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, सारे लोग मिलकर के पूरा का पूरा जो कमान संभालते हैं। तो हमने तो इस बार स्लोगन दिया है कि आपकी सुरक्षा, आपकी शुद्धता की जिम्मेवारी हमारी, बाकी सब छठ मैया की है। जैसा कि आपने देखा कितने भव्य ढंग से छठ पूजा मनाने के लिए चडरी सरना पूजा समिति भी तैयार है। रफ्तार मीडिया से संवाददाता सौरभ राय सहयोगी संतु के साथ रांची।